हाय गाइस, हाय, हेलो। इतना सब कुछ हो रहा है एक साथ और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है एक नई इंडस्ट्री, नई दुनिया खड़ी करने जा रहे हैं आप। हाउ यू गॉट दिस आइडिया एंड हाउ यू इनिशिएटेड इट? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है और बहुत कंफर्ट जोन है मेरा, ये हमेशा यही करते आया हूँ। तो एक ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरा पड़ाव है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, यू नो, किसी भी, आई थिंक किसी भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है ऐसा, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वेरी एक्साइटेड। इंडस्ट्री का तो नहीं पता लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि अच्छा म्यूज़िक आप तक आप सब तक पहुँचा सकें और यही कोशिश है। चैलेंजिंग रहा जो मैं बात करता हूँ, इतने इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आना, अलग अलग सिंगल इंडिविजुअल्स वीडियो भी शूट करना, इतना चैलेंजिंग रहा ये सब कुछ करना? बहुत, मतलब आपको मैं बता दूं कि हम लोग ये जितना आप देख रहे हैं अभी, इसकी तैयारी हम लोग मार्च से कर रहे हैं और मार्च से यू नो चलता जा रहा है। गाने अभी तो हम लोग ने 4 गाने रिलीज़ किए हैं, हम लोग 6 महीने तक रेडी हैं, 6 महीने तक हम लोग कंटेंट रेडी, मतलब ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, सब कुछ रेडी है। तो उसमें काफ़ी कुछ यही था कि यार यहाँ पे सिर्फ ऐसा जॉब नहीं था कि सिर्फ मुझे गाने बनाने हैं, बहुत कुछ देखना था एक ही वक्त पे, एक ही टाइम पे। तो उसी में बिजी था यार, काम करता जा रहा था और घबरा भी रहा था क्योंकि यू नो प्रोडक्शन पे आना, एज ए प्रोड्यूसर आना, वो एक नई बात थी। बट ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग ने किया। मुझे ऐसा लगता है, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं लेकिन गलती कर करके ही आदमी सीखता है और मेरा लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा रहा इस दौरान पे, काफ़ी कुछ सीखा मैंने। लेबल का नाम मिले किसका ये सुझाव? एक्चुअली जो मेरे साथ है, ये सुझाव उनका था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मिस्ड मतलब क्या रीज़न है? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे गाने ही जब सुनते तो वो मिस्ड फील आता है, तो मिस्ड म्यूज़िक रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके गाने सुनते ही वैसे मिस्ड की फीलिंग आती है बहुत, मैं अपनी ज़ुबान में कहा मिश्री तुम हर गाने के यू नो कहीं ना कहीं नज़र आते हैं आप, मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी नहीं आप, क्या वजह रही कि आप खुद नज़र नहीं आए कवर पर, कहीं पर भी मैं नहीं देख रहा हूँ आप? हाँ, आई थिंक नज़र इसमें ऑफकोर्स मैं नहीं आया हूँ, ये जॉनर भी अलग है, आप अगर देखें तो ये पार्टी सॉन्ग है सब। ये डिसीजन मिला जुला डिसीजन था कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, तो आई थिंक इसमें मैं ही नहीं गया, मुझे लगा यार बाद में आऊँगा, थोड़ा मैं अपने आप को और पतला उतला कर लूँ, कोशिश जारी है, उसके बाद मैं आऊँगा। फिटनेस पे ध्यान तो है, ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैं पिछले 2 महीने से बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ तो चीज़ें यू नो बहुत चीज़ें हाथ में नहीं है। बट दिसंबर ख़त्म होते होते थोड़ी ट्रैवलिंग कम होगी, मैं और मैं मुंबई में रहूँगा। फिटनेस पे ध्यान है और ज़्यादा ध्यान देना है ताकि अगर मैं कर ही रहा हूँ तो मैं और जितना खूबसूरत कर सकता हूँ, जितना और डेडिकेशन के साथ कर सकता हूँ, मैं वैसा क्यों ना करूँ। तो अभी वो हो गया, मतलब जो किया था वो हो गया, अभी मैं और यू नो चीज़ों का और अच्छे से ख्याल रखूँगा। सर एक सेकंड, ये हमारे जो भाई हैं इनके साथ मैंने मार्च में शुरू किया था और अंशु मिश्रा इनकी वाइफ हैं, भाभी है हमारी, तो इन्होंने यू नो अपनी वाइफ के नाम पे सब कुछ करने की कोशिश की। सेंटेंस गलत है। नहीं नहीं, इन्होंने मेरे साथ नहीं शुरू किया था भाई, मैंने इनके साथ शुरू किया था। आप सोच सकते हो म्यूज़िक में कोई
अंकित तिवारी किसी के साथ शुरू करेगा क्या? नहीं, नहीं। मैंने अंकित तिवारी के साथ शुरू किया, साथ में शुरू किया है और नहीं नहीं टचवुड बहुत अच्छा हम नाइस ऑफ यू। लेकिन भाई मुझे मौका मिला म्यूजिक समझने का आपके साथ, आप मेरे साथ शुरू करोगे महाराज? क्या बात कर रहे हैं, थैंक यू। हम शाय है थोड़ी सी, आ जाएगा आप।